मिनिस्टर्स लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं लोकसभा चुनाव के अभी तक की प्रमुख खबरें। दोगुने से ज्यादा बड़ी पीएम की आय, 5 साल में दोगुने से ज्यादा बड़ी पीएम मोदी की आय। वर्ष 2013-2014 में पीएम मोदी की आय 9,69,711 रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2017-2018 में बढ़कर 19,92,520 रुपए हो गई। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आय में पिछले 5 वर्षों में 10,22,809 रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि उनके पास कैश रुपए सिर्फ 38,000 है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस को लेकर कही है बात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के बजाय कांग्रेस की नज़र वर्ष 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने पर है। आदित्य ठाकरे ने कहा, राहुल गांधी को वोट दिया तो सत्ता में कार्टून नेटवर्क आएगा। शिवसेना की युवा शाखा के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा है। आदित्य ने राहुल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर लोग उनके लिए वोट करेंगे तो सत्ता में कार्टून नेटवर्क आएगा। प्रियंका के वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने की सैम पित्रोदा ने बताई ये वजह। भारतीय प्रवासी कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ने को लेकर कहा है कि यह कांग्रेस महासचिव का निजी फैसला है और वह एक सीट पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने के बजाय पार्टी द्वारा दी गई अन्य जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहती है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें लखनऊ से संजय गांधी PGI में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम उनका इलाज कर रही है। आम आदमी पार्टी का दावा, गौतम गंभीर के पास है 2 वोटर ID कार्ड। ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से आपकी कैंडिडेट अतिशी मलेना ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी गौतम गंभीर के पास 2 वोटर ID कार्ड है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस है। अपने बयानों से पलटी साध्वी प्रज्ञा। भोपाल से BJP कैंडिडेट साध्वी प्रज्ञा ने बुधवार को एक सभा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को आतंकी कहा था। बयान से पलटते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को कभी आतंकी नहीं कहा है। राजस्थान PCC में पोस्टर राहुल गांधी का, टी शर्ट पीएम मोदी के नाम। राजस्थान PCC में पोस्टर राहुल गांधी का, टी शर्ट पीएम मोदी के नाम की। जयपुर में शुक्रवार को PCC कार्यालय में सैम पित्रोदा के बुद्धिजीवी संवाद कार्यक्रम से पहले की जा रही तैयारियों के दौरान एक मजदूर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम की टी शर्ट पहने हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बैनर लगाते हुए नजर आया। राहुल गांधी ने भीड़ में से जिस लड़के को बुलाया वो भी निकला राहुल। बिहार के समस्तीपुर में एक रैली को संबोधित करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भीड़ में से लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए एक लड़के को मंच पर बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें रोजगार मिला है या नहीं। जब उन्होंने उस लड़के से उसका नाम पूछा तो उसने जवाब में राहुल कहा। अखिलेश मायावती की सभा में सांड ने मचाई भगदड़। कन्नौज में सपा बसपा रालोद की रैली से पहले एक आवारा सांड ने हंगामा खड़ा कर दिया। सांड ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया कि वहां मौजूद एक कार्यकर्ता पर हमला कर दिया। सांड स्टेज से काफी नजदीक पहुंच गया था, हालांकि बाद में किसी तरह से उसको बाहर निकाला गया। भाजपा के आवारा जानवरों को हमारी चुनावी जनसभाओं में छोड़ा जा रहा है। मायावती यूपी के उरई में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, BJP के आवारा जानवरों को हमारी चुनावी जनसभाओं में छोड़ा जा रहा है। कल कन्नौज में हमारी जनसभा भी वहाँ हमसे पहले भाजपा के आवारा जानवर पहुंच गए। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।